So hello traders, welcome back to my again new video. And today in this video we are going to talk about Suzlon share. Okay, Suzlon share अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो ग्रो ऐप की मोस्ट बॉट की लिस्ट में भी चल रहा है आजकल. ओके, सो हम लोग ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि Suzlon share में ओवर बॉट कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर रहे हैं. जहाँ कि ये देखा जा रहा है कि Suzlon share एक पेनी स्टॉक है, बट फिर भी अगर आप लोग पिछले एक दो महीने से देखें उसमें इतनी ज़्यादा मोस्ट बाइंग चल रही है कि इसमें इतनी वॉल्यूम आ रही है, वो भी बाइंग साइड में. ठीक, अभी तक वो शेयर करीब चल रहा था 9 से 7 रुपए के आसपास, बट बढ़ते बढ़ते ओवर बाइंग की वजह से वो 15 to 16 rupees के पास आ चुका है. सो मतलब कि अगर हम लोग ये कहें कि उसने आराम से अपना 50 to 70% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुका है इन्वेस्टर्स को. ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है तो वो पूरी बात बताने वाले हम लोग इस वीडियो में, और उसी के साथ साथ थोड़ा उसके चार्ट को भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके आप लोग साथ शेयर करने वाले. ओके, सो वीडियो पर अभी आप लोग अगर इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करें, कुछ दिन पहले तक का इसका प्राइस चल रहा था 7.35 rupees के आसपास. ओके, और अगर आप लोग अभी करंट प्राइस की बात करें आज की डेट में, आज डेट है 19th of June के दिन, ये देख सकते हैं आप लोग 14 rupees के आसपास, 14.55 rupees के आसपास ये शेयर का प्राइस चल रहा है. ठीक, और हाई जो लगा के आया है वो 15.16 का लगा के आया है. अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग इन द इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, तो देखिए 50% का आप लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल आपका दे चुका है जितना आपने कैपिटल लगाया हो. ठीक, 54% का. सो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एकदम से इसमें हाइप आ रही है और प्राइस में एकदम से स्पाइक आती जा रही है, वो रीजन जानते हैं. देखिए रीजन नंबर वन क्या है, Suzlon एनर्जी जो वो स्टॉक किसके ऊपर ट्रीट करता है, वो मेनली वर्क करता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर. ओके, इसके पास बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज है, सोलार पैनल, विंड मिल एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके पास सोर्सेज हैं. ओके, सो अगर आप लोग आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम जो एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी को अपनी जो गवर्नमेंट भी है वो भी प्रमोट कर रही है, और नॉर्मल पब्लिक भी जो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ ज़्यादातर शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है. ओके, ताकि बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उसके बाद वो जो नॉर्मल कॉस्ट लगती है उससे कम ही लगती है. ठीक, इसके साथ अपनी इंडियन गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट कर रही है, उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फॉरेन कंट्रीज भी बहुत सारी इसको अपने अपनी कंट्रीज में बहुत सारी तेजी से प्रमोट कर रही है. ओके, सो Suzlon एनर्जी जो शेयर है कि बड़े बड़े प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत ही अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और ये स्टॉक इसी सब चीजों में वर्क करता है. ठीक, सो अगर आप लोग पहले से कोई चीज को प्रेडिक्ट कर लें और उसके बारे में जानते हो और उसी को पहले से वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो जो कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम पे मल्टीबैगर बनने वाला है, सो इसी वजह से लोग रिन्यूएबल एनर्जी अगर नाम आता है तो Suzlon एनर्जी जरूर नाम लेते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द लीडिंग जो स्टॉक बनने वाला है इसी चीज में. बिकॉज अभी करंट वेव में अगर आप लोग देखें ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 14.55 rupees चल रहा है, माना कि इसने 55% का रिटर्न दे चुका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट अभी भी ज्यादा बड़ा स्टॉक हुआ नहीं. ओके, सो इसी वजह से इसी सब लॉजिक्स को देखते हुए लोग Suzlon एनर्जी को ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं. ठीक, और अगर पॉइंट्स देखे जाए गूगल बार्ट की तरफ से, अगर देखा जाए गूगल बार्ट क्या क्या पॉइंट्स बता रहा है, तो देखो टर्नओवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी जो हम लोग पहले पॉइंट आपको बता दिया है. ठीक, और एक जो सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन कंपनीज फंडामेंटल्स. ओके, कंपनी के जो फंडामेंटल थी अभी अगर देखा जाए पिछले कुछ इयर्स में, पास्ट के जो इयर्स है उसमें इतनी अच्छी इनकी कंपनी की फंडामेंटल्स नहीं थी, बट अभी करंट में देखा जाए तो कंपनी जो पहले अंडर परफॉर्म कर रही थी वो अभी करेंटली बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है. ओके, उसकी डे बाय डे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है और इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, इस वजह से ये थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स को और अट्रैक्ट करता जा रहा है शेयर. ओके, और ये शेयर जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है 14.55, मैंने आपको पहले से बता दिया है, अंडर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है, इसका प्राइस जो है गवर्नमेंट डिस्काउंट में एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, वो चल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती जा रही है. देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज. ठीक, फिर और कौन सा पॉइंट है, देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया से लीडिंग करता जा रहा है, लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट को, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाता जा रहा है, और जो बाहर की कंट्रीज है वो इस कंपनी से अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, मतलब कि अपनी इंडिया की एक कंपनी है वो बाहर फॉरेन की कंट्रीज को टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर रही, तो इस वजह से और ये लीडिंग एक स्टॉक बनता जा रहा है. ठीक, सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है स्टॉक में एक रिन्यूएबल एनर्जी का कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, तो जी हाँ Suzlon एनर्जी शेयर है वो आप ऐड कर सकते हैं.
बट ये मत भूलिएगा ये एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में आप लोग उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें जितना आप लोग रिस्केबल और रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज पेनी स्टॉक्स की फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट पास्ट के हिसाब से इसकी फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, अभी हाल फिलहाल में अच्छी हो गई। ओके सो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इनको माइंड में रखते हुए आप लोग को इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। ओके सो मिलते हैं आप लोग से जल्दी कोई अगली एक और मज़ेदार वीडियो में, सो टिल देन स्टे लर्निंग एंड कीप on keep subscribing our channel, so stay tuned to our channel and be profitable with us.